subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुस्लिमांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी टिपू सुलतान सेनेचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जगन सोरणे यांनी जन आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले असून मुस्लिम आरक्षण दो या राज्यव्यापी जन आंदोलनासाठी टिपू सुलतान सैनिकांची जोशाने तयारी सुरू झाली आहे। राज्यव्यापी जन आंदोलनाची मजबूत बांधणी करताना भक्कम पाठबळ म्हणून आज जळगाव येथील नगरसेवक सलमान खाटिक यांनी अनेक कार्यकर्त्यांसह टिपू सुलतान सेनेमध्ये प्रवेश केला। यावेळी संस्थापक अध्यक्ष जगन सोरणे यांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये मुस्लिम आरक्षण मुद्द्यावरती सविस्तर चर्चा विमर्श करत संस्थापक अध्यक्ष जगन सोरणे यांच्या हस्ते फुलपुष्पासह स्वागत करून नवीन कार्यकारिणी गठित करण्यात आली। या प्रसंगी जळगाव येथील नगरसेवक सलमान खाटिक यांची जळगाव महानगर प्रमुख पदी नियुक्ती करण्यात येऊन प्रवेश केलेल्या कार्यकर्त्यांचा स्वागतपर सत्कार करण्यात आला। या प्रवेश सोहळ्याप्रसंगी टिपू सुलतान सेनेचे जिल्हा प्रमुख इरफान शेख जब्बार भाई, टिपू सुलतान सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष रफिक शहा, वसीम शहा, तन्वीर शेख आदि टिपू सुलतान कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती। या नियुक्ती प्रसंगी मार्गदर्शन करताना टिपू सुलतान सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष जगन सोरणे यांनी कार्यकर्त्यांना प्रेरित केले। देशभक्त टिपू सैनिकांची देशभक्त चळवळ आम्हाला देशात उभी करायची आहे। एका हातात तिरंगा तर दुसऱ्या हातामध्ये संविधान घेऊन मैदानात लढायचे आहे। देशासाठी रक्त सांडवणारे टिपू सुलतान हे देशाचे क्रांतिकारी सुपुत्र आहेत, परंतु त्यांना सध्या खलनायक ठरवण्याचे काम देशात सुरू असल्याने यावरती संताप व्यक्त करत टिपू सैनिक म्हणजे देशभक्त सैनिक आणि आम्हीही टिपू सैनिक आहोत याचा आम्हाला अभिमान आहे अशा प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केल्या। देशात जर सर्वांना आरक्षण मिळते तर मुस्लिमांना आरक्षण का देत नाही असा संतप्त सवाल टिपू सुलतान सेनेचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जगन सोरणे यांनी उपस्थित केला आहे। यासाठी लवकरच जळगाव येथे लॉकडाऊन संपल्यानंतर राज्यव्यापी जन आंदोलन छेडणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले। हम देशभक्त शहीद टिपू सुलतान सेना इनके महानगर के जलगांव के अध्यक्ष नगर सेवक सलमान भाई खाटिक इन्हें महानगर का अध्यक्ष यहां पर आज नियुक्त किया गया है और उनके साथ में महान देशभक्त शेख टिपू सुल्तान सेना के जिला अध्यक्ष भाई इरफान और हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई रफीक और हमारे जब्बार भाई हमारे कार्यकर्ता हमारे दोस्त वसीम भाई ये सभी लोग यहाँ पर आकर के जो है वो प्रवेश किया है। मगर सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब महान देशभक्त शहीद टिपू सुल्तान सेना और तमाम दस संगठन की ओर से जलगांव में गोवंश हत्याबंदी के खिलाफ जब हमने 50,000 लोगों का मोर्चा निकाला, रेल रोक आंदोलन किया, उस समय मेरे नेतृत्व के अंदर हाजी गफ्फार मलिक साहब, आदरणीय करीम सालार सर, हारून मुफ्ती साहब और जलगांव जिले के सभी नगर सेवक, नगर अध्यक्ष और तमाम जनता उस आंदोलन में, जन आंदोलन में शामिल हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टिपू सुल्तान साहब जो है ये देशभक्त थे। इन्होंने देश के लिए अपना खून बहा दिया, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना खून का एक एक कतरा बहा दिया। ऐसे महान देशभक्त टिपू सुल्तान जो हमारे हीरो है, जो हमारे डायमंड है, ऐसे हीरो को आज इस देश में विलन बनाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। टिपू सुल्तान जयंती को विरोध किया जाता है। टिपू सुल्तान जयंती को जब जब भी विरोध किया गया, जब जब टिपू सुल्तान सेना मैदान में आई और टिपू सुल्तान सेना ने जलगांव जिले की ओर से फैजपुर में हर साल टिपू जयंती हमने धूम से मनाया और भविष्य में भी टिपू जयंती टिपू सुल्तान सेना के माध्यम से धूम से मनाएंगे। हमें जेल में भी डाल दिया टिपू जयंती मनाते समय, उसकी हमने परवाह नहीं किया। और भी टिपू जयंती को मनाते समय हमको इस बात का फख्र और खुशी है क्योंकि टिपू सैनिक होना मतलब क्या है? टिपू सैनिक होना मतलब देशभक्त होना। जिन्होंने अपने देश के लिए अपना खून बहा दिया टिपू सुल्तान इन्होंने, तो उनके सेना में काम करने वाले जो है वो टिपू सैनिक हैं, वो भी देशभक्त हैं। और ऐसे देशभक्त लोगों की मूवमेंट, ऐसी देशभक्त लोगों की चळवळ
हम लोग जो है खड़ी करना चाहते हैं देश के अंदर, एक हाथ में तिरंगा लेकर एक हाथ में संविधान लेकर के टीपू सुल्तान के माध्यम से, टीपू सेना के माध्यम से इस देश के अंदर देशभक्त सैनिकों की एक, टीपू सैनिकों की एक बड़ी टोली, एक बड़ी टीम, एक बड़ी मूवमेंट, एक बड़ा जन आंदोलन हमको इस देश में खड़ा करना है। हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिला, एससी का, एसटी का, ओबीसी का आरक्षण खतरे में है, मराठा कम्युनिटी को आज आरक्षण नहीं मिल रहा है, धनगर कम्युनिटी को आज आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो ये संविधान भी आज इस देश में खतरे में है। तो संविधान को बचाने के लिए, आरक्षणवादी शक्तियों को बचाने के लिए और इस देश के अंदर जो बड़े पैमाने के ऊपर हमारे टीपू सुल्तान साहब ने जो देश के लिए खून बहा दिया और उनके खिलाफ जो माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी जो जो शैतान हमारे देशभक्त टीपू सेना के ऊपर और टीपू सुल्तान हमारे टीपू सैनिकों के ऊपर और देश के खिलाफ बात करेंगे, जो जो शक्तियां इस देश के अंदर देश को तोड़ने के लिए जिसके इसके हाथ आगे आएंगे, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, हिंदू मुसलमान में दंगे करने की बात करेगा, जो मानवतावाद के ऊपर हमले करने की बात करेगा, ऐसी जो भी शक्ति है इस देश के अंदर, उस देश के अंदर आने वाले जो हाथ है, जो जो मानवतावाद के हाथ छाटने के लिए, संविधान के हाथ छाटने के लिए और हमारे समतावादी देश के हाथ छाटने के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के हाथ छाटने के लिए जो हाथ आगे आएंगे, वो देश को तोड़ने वाले जो हाथ आगे आएंगे, उस हाथ को छाटने का काम हम टीपू सुल्तान की तलवार हाथ में लेके जरूर करेंगे, ऐसा पैगाम आज के इस टीपू सुल्तान सेना के माध्यम से हम दे रहे हैं। जलगांव में राज्यव्यापी टीपू सुल्तान सेना की ओर से हम लोग जो है एक मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग जो है जैसा हमने गोवंश हत्याबंदी के खिलाफ जन आंदोलन चलाया, एनआरसी के खिलाफ चलाया, एनपीआर के खिलाफ चलाया, सीएए के खिलाफ चलाया, उसी तरीके से जन आंदोलन जो है मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। सबको आरक्षण मिल रहा है ना, फिर मुसलमानों को क्यों ना मिले? मुसलमानों का नागरिक अब सिटीजनशिप छीनने की बात करते हो, देश को तोड़ने की बात करते हो, अरे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, महाकवि इकबाल इन्होंने ये जो कविता लिखी देश के लिए मरने वाली कविता लिखी, अशफाक उल्ला खान इन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपना खून बहा दिया। मुसलमानों का देश की आजादी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारे देश के माजी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अणुबॉम्ब बनाया, अणुबॉम्ब इन्होंने मुसलमानों की रक्षा के लिए अणुबॉम्ब नहीं बनाया, हिंदू की रक्षा के लिए अणुबॉम्ब नहीं बनाया, देश के तमाम 135 करोड़ जनता की रक्षा के लिए बनाया हुआ यह अणुबॉम्ब, ये भारत का बॉम्ब है, हिंदू बॉम्ब नहीं है, ये मुसलमान बॉम्ब नहीं है, मगर फिर भी इस देश के अंदर जो है बड़े पैमाने के ऊपर जो है जमातवादी जो लोग है, मनुवादी जो लोग है, वो जानबूझ करके इस देश के अंदर जो है मुसलमानों को देशद्रोही, आतंकवादी कहने का काम कर रहे हैं। जो जो जिस देश के अंदर मुसलमानों ने अपने देश के लिए अपना खून बहाया, अपनी जान बहा दी और अपने देश के लिए कुर्बान हुए, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के लड़ रहे, वो आतंकवादी कैसे हो सकते, वो देशद्रोही कैसे हो सकते? पवित्र कुरान में लिखा है कि जब मुसलमान मरता है तो धरती मां कहती है कि आजा बेटा मेरी कोख में समा जा, मरने के बाद भी इसी धरती मां में दफन होकर के, इस धरती मां को छूम करके जो मरता है वो कैसे क्या देशद्रोही हो सकता है, देश का आतंकवादी हो सकता है? वो तो मरने के बाद भी धरती मां को चूमता है, पांच वक्त की नमाज पढ़ते टाइम भी इस धरती मां को चूमता है, तो वो जो है देशभक्त है। जो इस देश के अंदर मुसलमानों को आतंकवादी, देशद्रोही करार देने की बात करेंगे, ऐसी जो भी शक्तियां हैं उनका बंदोबस्त, उनका सामना, उनके खिलाफ लड़ाई टीपू सुल्तान सेना मैदान में आकर के करेंगी। आज यहाँ पर नगर सेवक सलमान भाई को और इरफान भाई, शकील भाई और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को, हमारे भाई साहब को जो है रफीक दादा, ये सब लोग जो कार्यकर्ता है सबको मैं शुभकामना देता हूँ कि राज्यव्यापी अधिवेशन की आप तैयारी करो। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, अल्लाह हाफिज। कदर प्यार तुमसे करते हैं, हो
तुमको दुल्हन बनाएंगे हम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.